हेलो एवरीवन, आई उत्कर्षा सिंह, डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, NIT पॉलिटेक्निक नागपुर. स्टूडेंट्स, आई एम गोइंग टू टीच यू द सब्जेक्ट एनर्जी कंजर्वेशन एंड ऑडिट. इन दिस सेशन वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी. लर्निंग आउटकम्स आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो, यू विल बी एबल टू लर्न एनर्जी, क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी, प्राइमरी एंड सेकेंडरी एनर्जी सोर्स, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. एनर्जी एनर्जी इज़ द फिजिकल एबिलिटी टू डू वर्क. मीन्स किसी भी काम को करने के लिए हमें फिजिकल एबिलिटी चाहिए, उसे हम एनर्जी कहते हैं. All the activities in the universe, including human activities, require energy changes. Law of energy conservation के हिसाब से energy को ना तो हम create कर सकते हैं और ना ही destroy. Energy को आप सिर्फ transfer या convert कर सकते हो from one form to another. Energy को हम 3 ways में classify करते हैं. प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, कमर्शियल एंड नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी अबाउट प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी. प्राइमरी एनर्जी सोर्स आर दोज दैट आर ईदर फाउंड और स्टोर्ड इन नेचर. प्राइमरी एनर्जी सोर्स हम उन एनर्जी सोर्सेस को कहते हैं जो कि हमें नेचुरली अवेलेबल होता है या तो फिर हमारे नेचर में वो स्टोर्ड होता है. प्राइमरी एनर्जी सोर्स को हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते हैं, उसे किसी भी प्रकार के ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर नहीं जाना पड़ता. फॉर एग्जांपल कोल, ऑयल एंड नेचुरल गैस. बट यही प्राइमरी एनर्जी सोर्स को हम लोग मोस्टली कन्वर्ट करते हैं सेकेंडरी एनर्जी सोर्सेस में ड्यूरिंग फॉर द इंडस्ट्रियल यूटिलिटीज. दैट इज़ कोल, ऑयल, गैस कन्वर्टेड इनटू स्टीम एंड इलेक्ट्रिसिटी. सेकेंडरी एनर्जी, सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी, सेकेंडरी सोर्सेस डिराइव फ्रॉम द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्राइमरी एनर्जी सोर्स. सेकेंडरी सोर्सेस जो है वो हमें प्राइमरी एनर्जी सोर्स के ट्रांसफॉर्मेशन से मिलती है. मतलब प्राइमरी एनर्जी सोर्सेस जो कि हम लोग डायरेक्टली यूज़ कर सकते थे, लेकिन हमें सेकेंडरी सोर्स ऑफ एनर्जी अगर यूज़ करना है तो हमें उस प्राइमरी सोर्स को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा सेकेंडरी में. फॉर एग्जांपल पेट्रोल That ड्राइव फ्रॉम द ट्रीटमेंट ऑफ क्रूड ऑयल. क्रूड ऑयल को जब हम लोग ट्रीट करते हैं उसको, तब हमें उसका प्योर फॉर्म मिलता है विच इज़ पेट्रोल. इलेक्ट्रिकल एनर्जी ऑप्टेन फ्रॉम मैकेनिकल एनर्जी एंड केमिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए वी रिक्वायर इलेक्ट्रिकल प्लांट दैट इज सुटेबल इंस्टॉलेशन दैट कैन बी ट्रांसफॉर्म प्राइमरी एनर्जी इंटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी. इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए हमें एक प्रॉपर प्लांट की ज़रूरत होती है जहाँ जो कि सुटेबली इंस्टॉल्ड होना चाहिए, जिसमें हम लोग प्राइमरी एनर्जी सोर्स को सेकेंडरी एनर्जी सोर्स में कन्वर्ट करते हैं. नाउ टू अंडरस्टैंड प्राइमरी एंड सेकेंडरी सोर्स, लेट्स सी द ब्लॉक डायग्राम. सो ऑन द हॉरिजेंटल यू कैन सी इट इज़ रिटन सोर्स, extraction, processing, primary energy and secondary energy. So in source there are coal, hydro, nuclear and natural gas. Now coal is extracted from open or deep mines, nuclear is extracted from mining, natural gas hum log gas well se extract karte hain. For further processing coal हमें क्रस्ट कोल की रिक्वायरमेंट होती है तो उसको हम लोग प्रिपेयर करते हैं उसके लिए. न्यूक्लियर की भी फर्दर प्रोसेसिंग होती है फॉर इनरिचमेंट एंड नेचुरल गैस की भी ट्रीटमेंट होती है टू गेट अ प्योर वैरायटी, प्योर फॉर्म ऑफ दैट प्राइमरी सोर्स.
Now, from that, after undergoes processing, we get a pure form of coal from processing, which is called as primary energy source. And natural gas, after the treatment of natural gas, we obtain a pure form of natural gas. Now, this pure form of coal and pure form of natural gas is used in power station, and there is no requirement for the hydro for water. There is no requirement of any process. Hydropower plant के लिए हमें water को किसी भी तरह का कोई भी treatment नहीं दिया जाता. उसे हम directly अब directly हम उसे power plant में provide करते हैं. और nuclear भी after enrichment we provide to power plant. So after power plant, when in power plant this primary energy source is converted into steam, and then from steam we obtain electricity. So this electricity, steam, thermal is our secondary energy source. Commercial source of energy. The energy source that are used to generate electricity and that are available in the marketplace with a specific price are known as commercial energy sources. Commercial energy sources हम उसे कहते हैं जो कि electricity को generate करने के काम आती है और उसकी एक market value है, मतलब market में उसकी एक price है, उसको हम लोग commercial source of energy कहते हैं. कमर्शियल फ्यूल कौन कौन से होते हैं? कोल, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, नेचुरल गैस एंड इलेक्ट्रिसिटी. नाउ एज यू कैन सी, कोल भी हमें एक मार्केट प्राइस में ही मिलता है. पेट्रोलियम प्रोडक्ट जो आप गाड़ियों में पेट्रोल फिल करते हो, उसकी भी एक मार्केट वैल्यू है, एक प्राइस है. नेचुरल गैस भी हमें अदर कंपनीज जो कि नेचुरल गैस प्रोड्यूस करती है और जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन को देती है, वो भी एक मार्केट वैल्यू में उसको सेल करती है. इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होने के बाद जब कंज्यूमर को वो मिलता है तो भी उसकी एक मार्केट वैल्यू होती है, तो वो भी सेल हो रही होती है कंजम्पशन के हिसाब से. तो ये सारी चीज़ें हमारी कमर्शियल फ्यूल में आती है. These are the coal, petroleum, electricity. These are called commercial energy because they have a price and consumer has to pay the price to purchase them. जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसकी खुद की एक price decided होती है और क्योंकि consumer को इसको खरीदने के लिए price pay करना पड़ता है, इसलिए हम इसे commercial source of energy बोलते हैं. Non-commercial source of energy. The energy sources that are not available in the market for the price are known as non-commercial energy sources. अब non-commercial source of energy उसे कहते हैं जिसकी कोई market price नहीं होती, जिसकी कोई market value नहीं होती, उसे हम लोग commercial energy source कहते हैं. जैसे कि firewood, agriculture waste, dryer dung. नॉन कमर्शियल एनर्जी सोर्स में फ्यूल, फायरवुड, कैटल डंक, एग्रीकल्चर वेस्ट, ये सारे इन्वॉल्व होते हैं. और इसे हम ट्रेडिशनली गैदर्ड करके फिर उसको हम लोग अपने घर के हाउस होल्ड वर्क के लिए यूज़ करते हैं और इसकी कोई मार्केट वैल्यू या प्राइस नहीं होती है, इसलिए हम इसको एक तरीके से ट्रेडिशनल फ्यूल भी कहते हैं. तो इसी को हम लोग नॉन कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं. नाउ कमिंग टू रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी. रिन्यूएबल सोर्स इज दैट एनर्जी व्हिच इज कलेक्टेड फ्रॉम रिन्यूएबल सोर्सेज व्हिच आर नेचुरली रिप्लेनिश्ड ऑन द ह्यूमन टाइम साइकिल सच एज सनलाइट, विंड, रेन, टाइड, वेव एंड जियोथर्मल हीट. रिन्यूएबल एनर्जी हमें उस एनर्जीज को कहते हैं जो कि रिन्यूएबल हो. रिन्यूएबल मीन्स इट कैन बी रिन्यू अगेन अगेन, हम उसे बार बार यूज़ कर सकते हैं, जो कि लिमिटेड नहीं अनलिमिटेड है, जो कि हमें इन्वायरमेंट से मिलती है, वो उसको हम लोग रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं. ये इस तरह की सोर्स ऑफ एनर्जी जो कि कभी कभी ख़त्म नहीं हो सकती. इट्स अ नेवर एंडिंग सोर्स ऑफ एनर्जी विच इज़ अवेलेबल इन नेचर. The main feature of this, it can be extracted without causing pollution. सबसे मेन इसका है
कि हम इसे एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं वो भी बिना पॉल्यूशन क्रिएट किए। जैसे सोलार एनर्जी यूजेस सोलार प्लांट, विंड पावर प्लांट, बायोमास यूजेस बायोफ्यूल्स, बायो पावर, बायो प्रोडक्ट, हाइड्रोजन फ्यूल सेल, जियोथर्मल यूजेस जियोथर्मल पावर प्लांट, हीट पंप्स, ओशन, टाइडल पावर, वेव पावर, थर्मल एंड हाइड्रो पावर यूजेस हाइड्रो पावर प्लांट। नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी इज दैट विच इवेंचुअली रन आउट। मोस्ट ऑफ द नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स आर फॉसिल फ्यूल सच एज कोल, गैस, ऑयल। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स हम इसे कहते हैं जो कि लिमिटेड है, जो कि कभी भी अपकमिंग ईयर्स में कभी भी ख़त्म हो सकता है ना, जो कि कोल, गैस, ऑयल को हम कंसीडर करते हैं। नेचुरल रिसोर्सेस जो कि एग्जॉस्टेबल है, जो कि कभी रिप्लेस नहीं हो सकती, वंस एक बार यूज़ होने के बाद वो कभी रिप्लेस नहीं हो सकती, जो कि बहुत ही सालों के बाद हमें नेचर में स्टोर था और हमने उसको अब हम उसे यूज़ कर रहे हैं, एंड आगे जाके वो हमारे शायद आगे जाके हमारे जो जनरेशन है उसको ना मिले, है ना, तो उसको हम लोग नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, न्यूक्लियर पावर। तो ये सारे हमारे नॉन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी हैं। नेक्स्ट स्लाइड विल बी ऑन एनर्जी डिमांड एंड सप्लाई। थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक इंट्रोडक्शन ऑफ एनर्जी। थैंक यू।